आज बड़ मामा से भाई, तो मम्मी देखो पूजा मम्मी ने कर ली है, कहानी वानी सुन ली है मम्मी ने, पूरा मंदिर अपना यहीं पे पेड़ ले आई थी मम्मी, यहीं पे ही अपनी पूजा कर ली है, पर कि मैं भी कर ली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सर? मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, तो अगर तुम आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गए। फिलहाल मैं भी आ गया हूँ स्कूल से, टाइम हो रहा है 2:15 बाकी हैं भाई, और ये देखो खाना आ गया है मेरा। तो देखो अब व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने 2 बजे, क्योंकि घर वाले तो यार बनाते हैं नहीं, अब मम्मी भी कैसे बनाए यार, घर के काम इतने होते हैं, ऊपर से मकान भी बन रहा है, उसके भी काम है। कल व्लॉग इसी वजह से नहीं आए, कल कुछ भाई बना ही नहीं। देखो ये नहीं मम्मी, हाँ क्या कहना चाहोगे आप? और भाई जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं तो पंखे बंद कर देते हैं तो बहुत गर्मी लगती है अचानक से। मम्मी ठीक है, और भाई पंप ने दारू पी रखी है आज, मैं आपको बता देता हूँ, नशे में पड़ गया है भाई ये, उल्टे सीधे नशे करता है, फिर हम पे गुस्सा करता है और ऐसे सो जाता है। फिर कहीं जी सो भी नहीं रहा, ये नशे में धुत है तो इसे पता नहीं है ये कहाँ है इस टाइम पे, ऐसा कुछ हो रखा है। अच्छी होगी। फिलहाल यार अभी आज है फ्राइडे और बज चुके हैं 10:15, और आज एक और चीज है, क्या है मम्मी? आज बड़ मामा से भाई, तो मम्मी देखो पूजा मम्मी ने कर ली है, कहानी वानी सुन ली है मम्मी ने, पूरा मंदिर अपना यहीं पे पेड़ ले आई थी मम्मी, यहीं पे ही अपनी पूजा कर ली है, परिक्रमा भी कर ली। परिक्रमा कैसे कराएं, करिए एक बार तो भाई, अभी मम्मी बताएंगी परिक्रमा कैसे, परिक्रमा कैसे होती है, परिक्रमा हाँ ऐसे करते हैं भाई। इस व्रत का क्या महत्व हो मम्मी? जब वो उसके प्राण लेकर चलते तो पीछे पीछे चलती थी, तो अपने सास ससुर के जो अंधे थे वो भी मांग लिया वरदान, फिर उन्होंने कहा कि तेरे 7 पुत्र हो गए, वहां यमराज हारे थे, सावित्री जीत गई, तो भाई कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसा देखो मम्मी ने ये पूजना है, ये पूजने के लिए है सामान, ये क्या है मम्मी? चावल, चावल, चीनी, चना, पूरी, फल, खरबूजा और ये खीर, ये पंडित जी आंटी के घर जाने के भाई, ये ऐसा कुछ होता है। फिलहाल कान्हा जी से मिल लो, ये देखो हंस रहे हैं बैठ के, गुड मॉर्निंग कर दो भाई इनको, नमस्ते कर दो सब। ये गैया माता है गाइस हमारी, यहाँ पे सारे भगवान जी हैं, भगवान जी ने भी भोग लगा लिया है खीर का, आपको दिख रहा होगा। मैं भी पूजा कर लेता हूँ, और चैन वाला आया हुआ है बाहर, उसके शोर में कुछ सुना ही नहीं देगा व्लॉग में, मतलब उसकी भी आवाज़ आएगी, ऐसे अच्छा सा नहीं लगता भाई। तो भाइयों फिलहाल पूजा हो गई है, मैंने भी पूजा कर ली है, माथे पे तिलक दिख रहा होगा आपको। फिलहाल मैं और मम्मी जाएंगे एक, क्या है मम्मी? पंतानी आंटी है, उन्हें ये पूजा पर दे के आएंगी, और मामी जी भी जाएंगी, तो पहले मैं मामी जी को लेके आता हूँ, तो चलते हैं भाई। तो भाई वो पूजा वगैरह हो गई थी डन, और फिलहाल बज रहे हैं 4, और फिलहाल मैं आ गया हूँ प्लॉट पे, मतलब अब तो मकान ही हो गया है, लेकिन आदत ऐसी पड़ी हुई है ना कि प्लॉट ही बोला जाता है, और यहाँ पे अच्छा रहा होगा क्लियरिटी, और यहाँ से ऐसे करते ही बुरी आ रही होगी, क्योंकि यार बिजली वगैरह है नहीं यहाँ पे, अभी तो दे रही है, बाकी सारे में ऐसा वो हो चुका है गाइस, अंदर भी मैं फ्लैश लाइट जला के एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो भाई यहाँ पे भी ये हो गया है, और अंदर भी जाता हूँ तो फ्लैश लाइट यार इतनी काम की है नहीं है, देख रहे हो सारे में हो चुका है, जहाँ जहाँ मतलब पीछे का भी हो गया पूरा, और रसोई भी हो गई, ये भी हो गया, ये कमरा भैया ने कल ही किया है, ये वाला तो इसमें तो रोशनी है तो दिख रहा होगा आपको, पूरा देखो अच्छे से कर दिया है, बड़ी मेहनत लगती है गाइस इस काम में, और भाई फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये नहीं है कि फिनिशिंग करा वो, तो भाई देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा,
देख रहे हो? ये देखो भाई, भाई देखो पूरा दिन लग जाता है ऐसे काम करने में। देखने में तो लगता है कि बड़ा आसान होगा, लेकिन आसान नहीं होता भाई, दिन भर की मेहनत होती है। अभी काफ़ी ज़्यादा काम बच भी रहा है, जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये दीवार हो गई, ऊपर की पूरी मंजिल बच रही है, क्योंकि जब तक ये फट्टे नहीं हटेंगे तब तक वहाँ पे काम नहीं होगा। फट्टे नहीं हटेंगे तो स्पेस नहीं मिलेगा। और भैया ऊपर ममटी बना रहे हैं सारे, मेरे भैया भी वहीं पे हैं, तो चलो वहीं पे चलते हैं और उनसे मिलते हैं। भैया अभी मैं आ गया हूँ ऊपर, और फिलहाल कुछ इतना काम हो गया। ये देखो भैया यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं दूर चले जाते हैं, तो दूर चले जाते हैं भाई, अच्छे से दिखाते हैं चेहरे। ये देखो, हेलो भैया। ये देखो भाई, एक जवान ये रहा। तो भाई देखो बहुत जल्दी काम कर दिया है अभी। ये देखो ये दीवार पूरी हो गई, और ये ममटी बन रही है भाइयों, चौकेट लग रही है। और ये दो अनमोल रतन बैठे हैं, एक ये वाला ज्यादा अनमोल रतन है, चुलबुले दिल, सही बिल्कुल। तो भाई ये देखो वहाँ की दीवार भी हो गई है, ये देखो पूरा मतलब ये स्क्वायर टाइप बन जाएगा, और कुछ इतनी बड़ी हो गई हमारी ममटी, तो सही है भैया साइज में तो है। और ये पूरे नौसाद भैया, हेलो भैया। तो भाई ऐसा कुछ चल रहा है अभी, ये चौकट भी लगा दिया, पिलर भी खड़े होके सूख गए हैं भैया, तो ऐसे ही कुछ है। तो भाई अब तक तो तुमने देखा भी मुमटिया काम चालू हो चुका है, यहाँ पे छोटा बच्चा बैठा है अच्छे से, अभी हो जाता काम। ये जो मिस्त्री है हमने मक्का मदीना से मंगवाया भैया, बहुत अच्छा मिस्त्री है। क्या नाम है भैया आपका? राशिद खान नाम है इसका भैया का। ये देखो अंदाज बादशाह खान का। ये थोड़ी सी दरी कर रहा है दीवार, और ये देखो ये ईंट यहाँ पे पड़ी हुई है सारी लगनी है। ये कुछ लुक आ रहा है अच्छा, ये पिलर सारे रेडी हो चुके हैं। ये है अपने रोहन भाई, यूट्यूबर रोहन भाई, आने वाले होने वाले स्टार हमारे। बोलो थोड़ा कुछ, अच्छे लग रहे हो वैसे आज बहुत। मुस्कुराने की कुछ तो वजह होगी। ये बाउंड्री भैया, ये बाउंड्री हो रही है पूरी। और ये चौकट लगी है एक यहाँ पे एंट्री के लिए, ये दीवार है। ये भाई आज नए जुड़े हैं मिस्त्री हमारे। भाई आपका नाम? सलमान कुरैशी। ये तो आप इन्हें तो, इनसे तो वाकिफ होंगे ये सब, आप सब ये नौसाद भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे। हाँ ये बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं, देखो अब भी मंडे में। तो भाइयों फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर, और मम्मी ममटी होगी, बाउंड्री होगी चपेरे की, मतलब खूब बड़ी बड़ी होगी, एक साइड की रह रही, मतलब लगभग कम्प्लीट ही होगी। बाउंड्री भी बनाने लग रही है भैया, अगर आज मतलब कल तो काम कंप्लीट हो गया तो कल को ही चले जाएंगे गाँव, आज ही होगा, अगर अगर नहीं हुआ तो फिर परसों को जाएंगे। क्योंकि इतना सूखना भी तो चाह, फिलहाल मम्मी बना रही है। हाँ ये भी है, और आज आज मम्मी बना रही है भाइयों आलू मटर टमाटर की सब्जी है। उनका नाम मुझे भी नहीं पता, क्या नाम है तो वे जाकर फिर कद में रोटी बनाऊंगी बेचारे, मैं बना दूंगा। एक आलू मेरे लिए भी रख लिया, इसमें तो उड़ा हुआ, मैं जिम में चला जाऊंगा खा के। ले मुझे मसाला भून दे इधर को जरा सा। पोपू देखो ब्रेड से खेल रहा है अपनी, पूरी मस्ती चल रही है, अकेले बेड पे कूद रहा है भाई ये। ये ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल। इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।